अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज असद मलिक एंड आई एम योर बैंकिंग इंस्ट्रक्टर। और आप हमें देख रहे हैं ब्यूटिशियंस के प्लेटफॉर्म से, जो कि है पाकिस्तान का फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको देता है आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम फ्री नोट्स, पीपीटी प्रेजेंटेशंस, आपके बुक के तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और इवन आपके पास पेपर के तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस एक ही प्लेटफॉर्म से। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे फौरन से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो पर बात करेंगे आपके बुक के लिहाज से चैप्टर 11, दैट इज बैंक फंड्स, जिसके हम ऑलरेडी दो लेक्चर जो है वो अपलोड कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है, तो उसे फौरन से देखिए और उसके बाद ये लेक्चर 3 को आप देखिए, ताकि आपके लिए ये चैप्टर समझना या ये टॉपिक समझना कंपैरेटिवली इजी हो जाए। तो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। स्टूडेंट्स, हम इस टॉपिक में आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 5 C's ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट, जो कि आपके 5 ईयर में भी इसके क्वेश्चंस कुछ आ चुके हैं आपके शॉर्ट में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज, की सिक्योरिटीज कौन कौन सी काइंड्स की होती हैं, और उसके बाद द लास्ट वन इज काइंड्स ऑफ मॉर्टगेज। ठीक है, ये जो टॉपिक है, ये जो जो आज मैं समझाऊंगा आपको, ये आपके शॉर्ट के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम में। इसके कुछ क्वेश्चंस आपको हो सकता है कि किसी एक चीज के बारे में या दो चीजों के बारे में आपसे पूछ ले, इसका लॉन्ग के लिहाज से ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। तो आप इसको कोशिश कीजिएगा कि इसके अपने शॉर्ट के लिहाज से आपने इसको अपने एग्जाम एग्जाम की प्रिपरेशन में इसको जरूर रखना है। इसके जो दूसरे टॉपिक्स हैं, जो कि मैं लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में डाले हैं, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, खासकर जो लेक्चर 1 में जो इसकी चीजें हैं वो आपने जरूर देखनी है। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं और उसके नोट्स जो है आपको हमारी वेबसाइट से इजीली मिल सकते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक जो है हमारी डिस्क्रिप्शन पर मौजूद है, आप फ्री में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है तमाम नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है, दैट इज 5 C's ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट। मतलब ये कि जब एक बैंक जो है, जब किसी भी एक इंडिविजुअल को क्रेडिट देता है, लोन देता है, तो वो किन चीजों को मद्देनजर पे रखकर उसको क्रेडिट देता है, मतलब उसको उधार देता है, उसको लोन देता है। तो सबसे पहले वो क्या चीज को नजर में रखता है, वो है कैपिटल। वो ये देखता है कि आइदर द पर्सन हैज सम कैपिटल, क्या इसके पास कुछ प्रॉपर्टी मौजूद है, कि कल को अगर ये फॉर एग्जाम्पल मेरे पैसे नहीं दे पाता, तो क्या इसके पास पे ऑफ करने के लिए कुछ चीजें मौजूद होंगी, इसके पास क्या फिक्स एसेट्स मौजूद हैं, मतलब कि अगर इसका ऑफिस है तो क्या इसका ऑफिस खुद का है, क्या इसके पास लैंड है तो क्या इसकी लैंड इसकी खुद की है, जो इस पास प्रॉपर्टी क्या क्या है, तमाम उसका आप बैकग्राउंड चेक करते हैं। उसके बाद आप उसको देखते हैं कि ये आइदर ये बंदा जो है ये वेल्दी है नहीं है, क्या है इसकी पोजीशन क्या है, ये तमाम चीजें आप कैपिटल में देखते हैं। ये देखने के बाद आप फिर पहले आप उसका बैकग्राउंड देखा, और सेकंड में आप उसका करेक्टर देखते हैं, उस इंडिविजुअल के बारे में पर्सनली जानने की कोशिश करते हैं कि उस इंडिविजुअल की गुडविल क्या है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसकी लोगों के साथ जो ट्रांजेक्शन है, जो लेन देन है, वो कैसी है। ठीक है, आइदर ये बंदा जो है ट्रस्टवर्दी है या नहीं, अगर इसने इससे पहले कहीं लोन लिया था तो क्या ये वहां पे इसने टाइम पे लोन दिया था, ये तमाम चीजें जो है ये बैंकिंग सेक्टर्स जो है ये पता करती हैं, और ये किस तरीके से पता करती हैं, जो कि जब भी कोई किसी से लोन लेंगे तो वो क्या करेगा कि बैंक उसको बोलेगा कि आपने आप कुछ रेफरेंसेस दें, तो फिर वो क्या करेगा, रेफरेंस किसके दे सकते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा किसी और बिजनेस कंपनी के बंदे का दे सकता है, मतलब कि जो उसकी कंपनी का बंदा ना हो, ठीक है, या उसके बिजनेस का कोई ताल्लुक ना हो, वो किसी दूसरे बिजनेस से ताल्लुक रखता हो जो कि इसको मार्केट में जानता हो। दूसरा, ये किसी और बैंक की डिटेल्स दे सकता है, किसी दूसरे बैंकर को जो है रेफरेंस दे सकता है, अगर इस सेम बैंक का ही कोई दूसरा बंदा है तो हो सकता है कि वो उसका रेफरेंस दे दे। ठीक है, तो इस तरीके से दो लोगों की रेफरेंस जरूरी होती है, और उसके रेफरेंस के जरिए जो है बैंक पहुंचता पहुंचता इसकी तमाम डिटेल्स तक पहुंच जाता है। उसके बाद आता है थर्ड वन इज कोलेट्रल। कोलेट्रल क्या होता है कि बैंक देखता है कि अगर मैं इसको आपको पता है कि बैंक दो किस्म के लोन देता है, एक देता है सिक्योर्ड लोन और दूसरा देता है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन जो है वो टोटली जो है वो गुडविल के ऊपर दिया जाता है, रेफरेंसेस पे दे दिया जाता है, लेकिन जो बैंक है वो अवॉइड करते हैं कि हम जो है वो सिक्योर्ड लोन की तरफ जाए, अनसिक्योर्ड लोन की तरफ ना जाए, कि अगर अमाउंट जो है वो हैवी है, वो ज्यादा अमाउंट का लोन है, तो वो हमेशा कोलेट्रल की तरफ जाएगा, मतलब सिक्योर्ड लोन की तरफ जाएगा, जिसके अंदर वो चीजों को मॉर्टगेज करने की कोशिश करेगा, जो कि हमारे नेक्स्ट टॉपिक भी यही है। ठीक है, टाइप्स ऑफ काइंड या टाइप्स या काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज के अंदर हम कोलेट्रल के बारे में ही पढ़ेंगे कि बैंक
लोन तो देता है लेकिन उसके बदले में आपसे कुछ सिक्योरिटीज जो है वो अपने पास रख लेता है, ताकि जो है अपने कब्जे में कर लेता है, अपने उसकी पोजेशन अपने पास रख लेता है, ताकि जो है कल को अगर ये बंदा मेरे पैसों को पे ऑफ ना कर सके तो मैं इसकी ये चीजों को जो है ये सेल आउट करके इसके मैं अपने पैसों को जो है वो रिकवर कर सकूं। उसके बाद है कैपेसिटी, उसके बाद उसने ये देखना है कि ये आयदर ये बंदा जो है ये इसकी एक्सपेंसेस कितने, इसकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। हो सकता है कि शायद उसका बिजनेस उसके पास उस एक बहुत अच्छा बिजनेस चल, मतलब कि उसकी कंपनी बहुत बड़ी है, उसके पास लैंड भी है, लेकिन उसके जो आपने उसकी ट्रांजेक्शन भी देखनी है कि आयदर ये जो है ये बैंक में क्या ट्रांजेक्शन कर रहा है, उसकी तमाम हिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे, उसके इनकम को देखेंगे कि ये महीना कितना कमाता है, इस साल में कितना कमाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे, इससे आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये बंदा जो है ये इसको लोन देने की जरूरत है या नहीं है, क्या इसको लोन देना चाहिए, क्या ये ऑथेंटिक बंदा है, कल को ये हमारे पैसे दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। हो सकता है कि वो बंदा उसके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है लेकिन वो ऑलरेडी जो है बैंकक्रप्ट हुआ है, उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, ठीक है, और वो जो है लेन देन में भी अच्छा नहीं है, तो इसकी वजह से कैपेसिटी भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। के बाद लास्ट वन इज कंडीशंस। अब क्या होता है कि बैंक्स अपनी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस रखती है, ठीक है, तो उसके बाद ये होता है कि इट्स टोटली अप टू द कस्टमर कि वो उसमें से कौन सी कंडीशंस जो है उसको मान रहा है या नहीं मान रहा। हर बैंक की डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, तो अगर आप उन कंडीशंस को इजीली मान लेते हैं तो उतना आसानी आसान हो जाता है एक बोरोअर के लिए लोन के लिए अप्लाई करना और उसको अप्रूव करवाना, ठीक है। वरना अगर आप कहते हैं नहीं ये चीज तो मैं ऐसे नहीं करूंगा, ये आपने गलत कंडीशन लगाई है, इसको चेंज करें, मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है, तो अगर बैंक की कंडीशंस जो है टर्म्स पे अगर वो बंदा अग्री हो जाता है तो फिर जो है वो उसको लोन अप्रूव करते हैं, उसको लोन इशू करते हैं, ठीक है। अगर उसकी कंडीशंस पे चेंजेस जा रहा है, चेंजेस हो जाती हैं, बहुत सी दफा चेंजेस भी कर दी जाती हैं कस्टमर्स के लिए, उनको वैसा उनको कर दिया जाता है, फ्लेक्स कर दिया जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी मौजूद होती है, लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं होती है, बहुत कम लोगों के लिए बैंक अपने टर्म्स को चेंज करता है, कंडीशंस को उसके अपने टर्म्स एंड जो भी उसके रूल्स हैं उसके मुताबिक वो कस्टमर के मुताबिक कर देता है, ठीक है, जिससे एट द एंड ऑफ द डे बैंक का ही फायदा होता है, लेकिन वो थोड़ा सा उसमें लीनियंसी पैदा कर देता है। लेकिन अगर अगर जितनी आसानी से अगर आप बैंक के टर्म्स को मान लेंगे उतना आपके लिए इजी हो जाएगा लोन को अप्रूव करवाना। उसके बाद सेकंड वन इज काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज। इसके अंदर ये होता है कि जब बैंक लोन दे रहा है तो वो किस किस किस्म की सिक्योरिटीज आपसे ले सकता है, जिसके बिहाफ पे उसको पता होगा कि यार ये अगर ये लोन की अमाउंट नहीं देता है तो मेरे पास इसके बरक्स कुछ चीजें मौजूद हैं जिसको मैं कल को पे ऑफ करके अपना लोन जो है वो लोन की जो अमाउंट है वो रिकवर कर सकता हूँ। सबसे पहले हमारे पास मोर्टगेज, मोर्टगेज की नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो काइंड्स भी लिखी हुई है, तो इसके अंदर मैं इसको थोड़ा सा शॉर्टली डिस्कस करूंगा ताकि फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे इसको डिटेल में डिस्कस करें। मोर्टगेज के अंदर होता यह है कि मोर्टगेज हम तब करते हैं, हम कोई भी चीज बैंक के पास दे रहे हैं बैंक को, मतलब कि कोई ऐसी चीज जो कि इमूवेबल हो, मतलब हम सिर्फ बैंक को उसकी पोजेशन दे रहे हैं, उसकी सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके हो सकता है कि कुछ पेपर्स हो सकते हैं, जैसे कि ज्यादातर इमूवेबल चीजें क्या हो सकती है, लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, मतलब कि आप जिस घर में रहते हैं या आपकी ऑफिस की बिल्डिंग है या आपके पास कोई प्लॉट है, आपने वो क्या किया कि वो बैंक को दे दिया और बैंक ने वो जो है वो अपने पास रख लिया उसके डॉक्यूमेंट्स। ऐसे बाद आप जमीन उठा के तो जाके बैंक को नहीं दे सकते, ठीक है, तो बैंक के पास आप डॉक्यूमेंट्स रखवाएंगे, वो डॉक्यूमेंट्स जो बैंक के पास रहेंगे तब तक जब तक कि आप लोन की पेमेंट जो है वो अदा नहीं कर देते, और अगर आप लोन की अमाउंट पे नहीं कर पाते तो बैंक के पास देन वो राइट होगा कि वो उसको जो है वो बेच के अपने लोन की अमाउंट को रिकवर कर सके। लेकिन इस दौरान जब तक वो लोन की पेमेंट जो है अदा नहीं करता, बैंक के पास कोई राइट नहीं है कि वो उसकी प्रॉपर्टी को रेंट कर सके, उसको यूज कर सके या उससे कोई भी फायदा उठा सके, ठीक है, मोर्टगेज के अंदर ये चीज मौजूद होती है। उसके बाद है हाइपोथेटिकेशन, इसके नाम से ही पता चल रहा है हाइपोथेटिकल, मतलब कि ये बैंक ना तो इसमें कोई भी ऑनरशिप आप बैंक को देते हो ना ही आप कोई पोजेशन देते हो, मतलब कि आप बैंक को कुछ भी नहीं दे रहे, सिर्फ एक हाइपोथेटिकली एक चीज बैंक ने अज्यूम कर लेता है कि ये बंदा जो है इसकी ये ट्रांजेक्शन चल रही है और कल को अगर ये मुझे पैसे नहीं देता है तो मैं इसकी तमाम चीजें जो है अपने कब्जे में कर लूंगा।
ठीक है, बैंक के वो अंडर कंट्रोल में होती है, वो सारी चीजें अंडर वो उसके ऑब्जर्वेशन में होती है। ये ज्यादातर तब बैंक देते हैं जब कोई भी किसी ने अपने गुड्स वगैरह, अपनी इन्वेंट्री वगैरह कोई, मतलब कि वो बैंक से लोन ले लेकर ही अपना काम कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, तो अगर कल को अगर वो अपने पैसे नहीं देते हैं किसी भी वजह से, तो बैंक उसके तमाम जो है वो गुड्स को अपने होल्ड में रख लेगा, अपने उसमें कस्टडी में ले लेगा। ठीक है, तो ये हाइपोथेटिकल केशन में होता है। की बात है प्लेज। प्लेज के अंदर क्या होता है कि आप मूवेबल चीज, मतलब कि आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह उस चीज को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। आप बैंक के पास जाते हैं, वो चीज लेके जाते हैं, जितने भी अमाउंट की होती है उसके इन रिटर्न जो है बैंक आपको लोन दे देता है। मतलब ये ज्यादातर ज्वेलरी हो सकती है, आपके कुछ महंगी चीजें हो सकती हैं, कुछ इक्विपमेंट्स हो सकते हैं जो कि आप बैंक के पास जाके रखवाते हैं और बोलते हैं ये आप अपने पास रख लें, अपने पास इसको रखें, ये आपके पास है, और कल को अगर जो है वो मैं पेमेंट नहीं दे पाता, मैं आपके लोन की अमाउंट नहीं दे पाता, तो आप इसको बेच के जो है अपनी अमाउंट जो है वो पे ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास लाइन। लाइन के अंदर क्या होता है कि ये दो किस्म के होते हैं, एक होता है जनरल लाइन और एक होता है पर्टिकुलर लाइन। इसके अंदर क्या होता है कि आप जो है आप लोन लोन लेने के लिए गए, बैंक ने आगे से आपको बोला कि जो है ये जो चीजें हैं जो मेरे जो है आप मतलब कि इतने 1 लाख रुपए की चीज थी, ठीक है, 1 लाख रुपए का लोन था। अब क्या हुआ कि आपने उसमें से 50,000 रुपए का लोन दे दिया। अब 50,000 रुपए का आपने लोन नहीं दिया, तो क्या होगा कि वो 50,000 रुपए का लोन जो है वो बैंक जो है आपकी कोई भी चीज जो है वो कस्टडी में लेगी और उसको जो है वो अपने पास रख लेगी, और उस और तब तक आपको नहीं चाहिए जब तक कि आप उसकी पेमेंट को पे ऑफ नहीं कर सकते। लाइन में और मोर्टगेज में सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि मोर्टगेज के अंदर यू हैव अ राइट टू सेल द प्रॉपर्टी। ठीक है, मोर्टगेज और लाइन सुनने में आपको सेम लगेगा। ठीक है, तो मोर्टगेज के अंदर क्या होता है कि आप चीजों को बेच सकते हैं, जब वो लोन की पेमेंट, जब वो डेडलाइन आ गई उसके बाद उसने नहीं दिया, आपने उसको ग्रेस टाइम भी दे दिया, हर चीज कर ली, उसके बाद वो नहीं मान रहा, तो उसके बाद आपने उसकी चीज को कब्जा करके आपके पास ही होते हैं डॉक्यूमेंट्स, आप उसको बेच के अपने पैसे ले सकते हैं। लेकिन लाइन के अंदर आपको क्या करना है कि आप उसकी चीज को नहीं बेच सकते, एंड टाइम तक आप उसको नहीं बेच सकते, आप सिर्फ उसको एंड टाइम तक अपने पास रखेंगे उसकी इस चीज को हिफाजती तौर पे, तब तक जब तक कि वो आपके पैसों को पे ऑफ नहीं कर देता। ठीक है, तो जनरल के अंदर क्या होता है कि आप उसकी तमाम प्रॉपर्टीज को कब्जे में कर लेते हैं, और पर्टिकुलर के अंदर सिर्फ उतनी ही पैसों की अमाउंट अपने अपने पास उतना ही कब्जा करते हैं उसकी प्रॉपर्टी का जितने की आपका लोन है। अगर उसके पास एक जमीन है तो उसमें से सिर्फ आप उतना ही हिस्सा उसका कब्जे में रखेंगे जितने जितने का लोन था। मतलब कि अगर उसका एक रूम पकड़ लिया आपने कि इतना रूम, ये रूम इतने का बिकेगा, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि उसके 3 रूम्स का उसका हाउस था। ठीक है, उसमें से एक रूम आपने बोला कि ये आप उसको सील कर देंगे कि ये कमरा जो है ये हमारा आज से हो गया, इसको ये हमारी कंपनी का है, बाकी जो है बाकी कमरे आप इस्तेमाल करें क्योंकि वो आप उतने का आप पे ऑफ कर चुके हैं। तो इस तरीके से बैंक जो है पर्टिकुलर के अंदर सिर्फ उतने ही अमाउंट की जो है वो उनसे चीजें जो है अपने कब्जे में करती है, अपने कस्टडी में करती है, जितने का लोन रह चुका होता है रिमेनिंग। उसके बाद हमारे पास लास्ट वन इज काइंड्स ऑफ मोर्टगेज। मोर्टगेज जो है तो मैंने आपको बताया कि उसके आप बैंक के पास जो है वो चीजें रखवाते हैं और बैंक जो है उसके पास उसको अपनी कस्टडी में रखता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, ये इमूवेबल होती है, मतलब कि आप एक चीज को दूसरी जगह पे उठा के नहीं लेके जा सकते, ये इमूवेबल होती है। ठीक है, तो उसके इसके अंदर क्या होता है कि बैंक जो है आपकी चीजों को बेच सकता है अगर आप कल को उसको पे ऑफ नहीं करते। सिंपल मोर्टगेज के अंदर क्या होता है, ये इजीली बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर आप उसको बैंक को चीज दे रहे हैं, बैंक के पास कोई राइट नहीं है कि वो उसको बेच सके या उसको जो है वो आगे सेल कर सके या उसको किसी को ट्रांसफर कर सके, तो इसके अंदर सिंपल मोर्टगेज के अंदर ये होता है कि अगर आपने जाके अपनी जमीन के कागजात दिए हैं, घर के कागजात दिए हैं, तो बैंक सिर्फ उस कागजात को तब तक हिफाजत में रखेगा जब तक कि आप उसकी लोन की पेमेंट अदा नहीं करते। अब अगर आप लोन की पेमेंट अदा नहीं करते देन बैंक के पास राइट आ जाएगा कि वो उसको प्रॉपर्टी को बेच सके। इंग्लिश मॉर्गेज क्या होता है, ये ज्यादातर इंग्लैंड के साइड पे ज्यादातर इस्तेमाल होता है, वेल्स वगैरह में, कि वहां पे पूरी प्रॉपर्टी को आपको ऑनरशिप को ट्रांसफर करना पड़ता है, मतलब डॉक्यूमेंट्स को उस इंसान के नाम पे करना पड़ता है कि ये प्रॉपर्टी आज से इस फलां बंदे की है। ठीक है, और उसके बाद अगर वो पे ऑफ कर देता है लोन को, तो आप दोबारा से उस इंसान को जो है जो आपका लैंडर है जिससे आपने लोन लिया था, उसको दोबारा से प्रॉपर्टी आपके नाम दोबारा से ट्रांसफर करनी पड़ेगी। ठीक है, ये इसलिए किया जाता था कि जो है भाई अगर तुम नहीं पे करते तो ऑलरेडी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे, बाद में ये लंबा
झमगेला ना पड़े कि भाई प्रॉपर्टी तो तुम्हारे नाम पे थी और इस तरह उस तरह। तो यही होता है कि अगर आप पे ऑफ कर देते हैं तो आपकी वो प्रॉपर्टी दोबारा से आपके नाम ट्रांसफर हो जाती है। उसके बाद है यूसेफ फैक्चुअरी मोर्टगेज। इसके अंदर यह होता है कि आप सिर्फ उस इंसान को के चीज देते हैं, मतलब कि आपने बैंक को जाके डॉक्यूमेंट्स दे दिए, ठीक है, लेकिन आप बैंक को ऑनरशिप नहीं दे रहे हैं, सिर्फ बैंक को अलाउ कर रहे हैं या अपने लेंडर को अलाउ कर रहे हैं कि आप उसकी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, या उससे अर्निंग कर सकते हैं। तो दैट वाज ये इमूवेबल होता है। तो दैट वाज आप क्या करेंगे, ज्यादा ज्यादा उसकी अगर बिल्डिंग होगी या लैंड होगी तो आप उसमें क्या करेंगे कि आप उसको रेंट पर दे देंगे, ठीक है, ताकि जो है तब तक आप उससे कमाते भी रहेंगे। ये आपने देखा होगा बहुत सी दफा कि अगर आप किसी ने आपके पास कोई फ्लैट रखवाया है या कोई बिल्डिंग रखवाई है या कोई जमीन है, तो आप जो है उसको ऊपर खेती बाड़ी करने देते हैं किसी और इंसान को, ताकि वो जो खेती बाड़ी करके उससे जो चीजें आएंगी वो मेरी होंगी, क्योंकि भाई इस बंदा अभी तो इसने 10 साल के लिए मुझसे लोन लिया हुआ है, तो मैं 10 साल तक क्या करूं बैठ के, ये जमीन मेरे पास पड़ी हुई है तो मैं उस जमीन को इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं उस लैंड उस बिल्डिंग को भी रेंट पे दे सकता हूँ, अनटिल एंड लस कि जब तक मैं उसके लोन की पेमेंट वो मुझे अदा नहीं कर सकता। जिस दिन मुझे लोन की पेमेंट अदा कर देगा, मैं उसकी जमीन या उसकी या प्रॉपर्टी जो है वो दोबारा से उसके डॉक्यूमेंट्स उसको वापस कर दूंगा। सब मोर्टगेज क्या होता है कि इसके अंदर आप मोर्टगेज को एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब आपने अगर बैंक से जाके लोन लिया है तो अगर कल को बैंक जो है वो अगर किसी और इंसान को जाके वो बेच देता है और डॉक्यूमेंट दे देता है, ट्रांसफर कर देता है, तो फिर क्या होगा कि वो जो तीसरा बंदा होगा, थर्ड पार्टी होगी, वो फिर हो जाएगी कि वो जो है आपसे पैसे लेने की लायबल हो जाएगी, मतलब आपने फिर वो थर्ड पार्टी को देना होगा मोर्टगेज, ठीक है। तो ये मोर्टगेज तब किया जाता है जब बैंक जो है वो इस सिचुएशन में होता है कि क्योंकि राइट बात है, आप तब तक नहीं बेच सकते जब तक के ना आप उसको इस्तेमाल कर सकते, तो बैंक के किसी इस्तेमाल में नहीं होती वो चीज, ठीक है। बैंक कोशिश करता है कि मूवेबल चीज कुछ ऐसी चीजें हो जिसको आप वो इस्तेमाल भी कर सके, ठीक है, तो इस बिना पे वो आगे किसी और को सेल कर देता, फिर वो बंदा जो है फिर वापसे जो है चीजें जो है वो पैसे जो है वो लोन की जो पेमेंट है वो रिसीव करता है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक, थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है, लेकिन मैंने कोशिश किया कि जितना मैं आसान अल्फाज में आपको समझा सकूं, और अगर स्टूडेंट फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आई, कोई चीज क्लियर नहीं है, कोई चीज एड ऑन करना चाहते हैं, तो हमारी स्क्रीन पे जो है हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मौजूद है, आप वहां पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं और फील फ्री होकर जो भी क्वेश्चन आपके हैं हम कोशिश करेंगे उसको एज सून एज पॉसिबल रिजोल्व कर सके। अगर आपको तमाम नोट्स चाहिए, अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं, तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन पर जो है हमारी व्हाट्सएप हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, आप वहां पे जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप साइन अप कीजिए, तमाम नोट्स जो है वो आप उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।